हेलो दोस्तों, मैं साहिल हुसैन आज आप लोगों के सामने T3 का सल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। हमारे दो टेस्ट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज के, आज तीसरा टेस्ट है, मतलब हो गया, कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने दे लिया है। और तीसरे टेस्ट के फिजिक्स पार्ट का मैं सल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ बी गिवन एज, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 1.5 टी प्लस 2t स्क्वायर। उसके बाद से कह रहा है कि वेयर टी इज इन सेकंड द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड विल बी। बताइए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब जहां जहां t है वहां वहां t की वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या दिया हुआ, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2 4 इंटू 2 सेकंड पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो 4 2 8 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9.5 रेडियन पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अगर कोई व्हील रोटेशन स्टार्ट कर रही है और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बोल रहा है विद कांस्टेंट अल्फा, अल्फा मतलब गिवन है आपको, ठीक है। कांस्टेंट अल्फा का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अल्फा का मतलब होता है कि ये एक मतलब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यानी कि हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर ही। एंड अटेंस एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 6 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, 60 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, और ओमेगा फाइनल हमें 60 रेडियन दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल जीरो है हमारा, और टाइम कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा। हमसे सवाल पूछ रहा है द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस विल बी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई यहाँ पर तब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे होंगे, तो एंगुलर के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू, जैसे हम फॉर्मूला लीनियर मोशन में लिख रहे होते हैं ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसे ही एंगुलर मोशन में भी हम सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटीज एंगुलर में चेंज हो जाती है, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलने वाला हमें हाफ, और अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली 12 इंटू टी इज इक्वल टू 5 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली कैलकुलेट करने पर ये क्या मिलने वाला है 150 रेडियन आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना हो जाएगा 150 रेडियन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं, कह रहा ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर हो सकता है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई सी भी एक रिजिड बॉडी है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तो उससे होकर के पास होगा, पासिंग फ्रॉम एनी इनसाइड द ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट से होकर के पास हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट से होकर के पास कर सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, हाँ यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक बॉडी हूँ और यहाँ पर एक एक्सिस फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर पकड़ के मैं चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगता हूँ, तो मैं भी एक तरीके से रोटेशन करने लगा, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, और मैं अपने ही जगह पर घूमने लगा तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे ही पॉइंट से मेरे ही अंदर किसी पॉइंट से होकर के पास कर रही होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। आगे देखते हैं अगला सवाल है हमारा, व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया हमें 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल एंगुलर स्पीड हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड।
इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में बोल रहा है हैज कंप्लीटेड एन एंगल, एंगल कितना कंप्लीट करेगा, तो यहां पर भी हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर, तो ओमेगा इनिशियल हमारा कितना गिवन है 2, इनटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इनटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 4 प्लस 3 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 10 रेडियन, तो ये हमारा 10 रेडियन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है स्टोन ऑफ मास 4 किलोग्राम, एक स्टोन है जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम है, इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रोटेट कराया जा रहा है जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है, तो आपको बताना है इस मास इज इक्वल टू 4 किलोग्राम का द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द स्टोन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है, तो बताओ यहां से जो करके एक्सिस पास करेगी तो एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 4 किलोग्राम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है एम आर स्क्वायर, मास इसका 4 है और 1 डिस्टेंस है इसका, तो डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना सवाल, इतना आसान सा सवाल था ये, बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास ठीक है एंड रेडियस आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट द डायमीटर इज आई देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बोथ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट वुड बी, ठीक है जैसे कि मान लेते हैं कि हमने 2 स्फीयर ले लिया और दोनों स्फीयर को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रखा और दोनों स्फीयर का मास भी सेम है और दोनों स्फीयर की रेडियस भी सेम है, ऐसा कहा जा रहा है हमसे, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका रेडियस आर है और मास कितना है एम है, तो इसके किसी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके सेंटर से पास होने वाले डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है और वो बोल रहा है आई, तो ये बताओ अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके सेंटर से पास होने वाले उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू, ये हमें याद होना चाहिए 2/5 mr² और इसी को तो उसने आई बोल दिया, वेरी गुड। अब कह रहा है कि इसके कॉमन टेंजेंट क्या होता है, यहां पर होता है और कॉमन टेंजेंट वाली जो लाइन है इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है अब एक हाँ ठीक है, और ये बताइए कि इसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस जो कि इसके पैरेलल में अज्यूम कर लेता हूं ये हो जाएगी, इसके एक्सिस ये हो जाएगी, क्या इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही हो जाएगा ना 2/5 mr², कोई दिक्कत है इसमें किसी को, या इस तरीके से मान लेता हूं कि इस वाली एक्सिस से पास होने वाली एक्सिस जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट से होकर के पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूंगा, तो बताओ इस बॉडी के इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, एक तो इसके सेंटर से पास होने वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वो क्या कहता है 2/5 mr², सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ये तो केवल पहले बॉडी का रहा, दूसरे बॉडी का भी सेम आ जाएगा, तो क्या मैं इसको कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉमन पॉइंट कॉमन टेंजेंट आ गया, तो ये हो जाएगा 2/5 + 1 = 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5 mr² × 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 7/5 × या जैसे 2/5 mr² = i है ना 2/5 mr² = i है, तो मैं इसको लिखूंगा 7 × 2 को आगे लेके जाता हूं तो हो जाएगा 2/5 mr², मैंने इसी को ऐसे लिख दिया 7 को आगे ले लिया 2 को इधर लेकर के आया 2/5 mr² = मुझे पता है क्या है i गिवन था हमें, तो ये हो जाएगा 7 और इस कंप्लीट की जगह पर क्या पुट कर दूंगा i पुट कर दूंगा, तो 7i हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल था ठीक है, कई सारे बच्चे हो सकता है कॉमन टेंजेंट इसको अज्यूम करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, लेकिन इसको अज्यूम करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा 7i ही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 कह रहा है 3 point masses each of mass m are placed at the corner of equilateral triangle of side A, then the moment of inertia of the system about an axis passing through along the one side of the triangle, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है
ठीक है। इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर एम मास के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और इसकी साइड हमें ए गिवन है। एम मास है यहां पर भी एम मास है, यहां पर भी एम मास है। कह रहा है किसी एक साइड के अलोंग पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो बताओ इस एक्सिस के ही मतलब इस एक्सिस पर ही ये दोनों के मास अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, मतलब इन दोनों के मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जीरो हो गई। यानी कौन सा बच रहा है, केवल एक मास बच रहा है ना, तो एक मास की यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो। क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए होती है तो ये वाली डिस्टेंस उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है, अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू इंटू ए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू ए। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पॉइंट मास के लिए, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो m और r की जगह पर क्या है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा और टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा थ्री अपॉन फोर एम ए स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, रोटेशनल पावर इन रोटेशनल मोशन इज, ये बताइए आप लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स के टर्म में, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो अगर हम रोटेशन में जाएं तो वहां पर पावर का फॉर्मूला सेम ऐसा ही लिख सकते हैं, फोर्स किसके रेसिव मतलब किसके चेंज हो जाएगा, टॉर्क से, और वी किसके जैसा होता है, सेम ओमेगा के जैसा, यानी कि टाउ डॉट ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पावर देगा। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, चाहे आप टाउ डॉट ओमेगा करो या ओमेगा डॉट टाउ करो, रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना इज एक्सर्टेड ऑन अ पाइवोटेड व्हील। ठीक है, एक पाइवोटेड व्हील है जहां पर 31.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है। If angular acceleration of the wheel is 4 pi radian per second square, then the moment of inertia of the wheel is, ये बताइए हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, I into alpha होता है, जहां पर I moment of inertia होता है, angular acceleration टॉर्क है। तो ये बताइए हमें moment of inertia पूछ रहा है और टॉर्क और अल्फा दिया हुआ है, क्या हम डायरेक्टली डिवाइड करके आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू 31.4 है और अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारा, 4 पाई है। ठीक है, ये बताइए 31.4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 3.14, डिवाइड करेंगे 10 बार में जाएगा और 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होता है 2.5। हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल कह रहा है फोर्स एक्स एट ए पॉइंट देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट विल बी। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना, ठीक है, तो जिसके अबाउट हमसे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर देखिए मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर की तरफ हमारा कहीं जेड एक्सिस है, हमारा जो पॉइंट है 2, -3, 1, मैं कहीं पर भी अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं दिस पॉइंट इज 2, -3, 1 एंड जो हमारा 0, 0, 2 है, 0, 0, 2 हमारा कुछ यहां पर होगा, तो मैं दूसरी जगह अज्यूम कर लेता हूं थोड़ा समझने के लिए, या मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, वैसे है नहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर ही हम इसको अज्यूम कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ रैंडमली 0, 0, 2। ठीक है, तो ये है हमारा R1 वेक्टर, इसको हम R1 वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम R2 वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को। फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स इस वाले पॉइंट पर लग रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि फोर्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स हमारा कितना है 2i कैप + 3j कैप - k कैप। मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। अब क्या है ना कि मुझे ओरिजिन के अबाउट टॉर्क नहीं निकालना है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करूंगा और ये हमारा आर वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, ये आर वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो आर वेक्टर निकलेगा ये R2 वेक्टर -R1 वेक्टर होगा ना, तो R2 वेक्टर के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर और R1 वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर। तो हमें जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, तो हमें क्या करना है, पहले जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट से माइनस कर देना है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए, तब हमें वेक्टर मिलेगा। तो R वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 वेक्टर -R1 वेक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 - 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस -3 और -0 इज इक्वल टू -3j कैप।
प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का वन के कैप। तो आपका जो आर वेक्टर आएगा ना वो आ जाएगा टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस का के कैप। अब आप लगाएंगे, हम जानते हैं टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो R क्रॉस F दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले R के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 1। फिर हम F के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, F का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 2 3 और माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब बताइए यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप इनटू इसके रो और कॉलम और रो के एलिमेंट को छोड़ करके चार जो बचेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। माइनस थ्री और माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस थ्री। माइनस का जे कैप, जे कैप इसके कॉलम और इसके रो के एलिमेंट को छोड़ करके चार जो एलिमेंट बचेंगे उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू और माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन माइनस टू, टू और फिर यहाँ पर एक माइनस आएगा और टू और माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू। प्लस का के कैप इनटू, देखिए के कॉलम और रो के एलिमेंट को छोड़ करके जो चार बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू थ्री जा सिक्स माइनस टू थ्री जा माइनस सिक्स, ये हो जाएगा प्लस सिक्स। फाइनली हमारे पास टॉर्क जो आएगा वो आ जाएगा थ्री थ्री सिक्स आई कैप प्लस सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 12 के कैप, है ना। जे कैप वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया जीरो, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया टॉर्क हमारा, लेकिन टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 180, और अंडर रूट ऑफ 180 6 अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट के बराबर होता है। तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट ऑफ 5 हमारा टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। किस पॉइंट के अबाउट, 0.0.2 के अबाउट। अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते ओरिजिन के अबाउट तब हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड विद द टू मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक फिगर हमें दिखाई दे रहा है, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब पहले वाले रस्सी और दूसरे वाले रस्सी में टेंशन फोर्स टी वन टी टू फिगर में शो कर रखा है, और टी वन अपॉन टी टू का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो ये बताइए हमारा बॉडी यहाँ पर, ये जो बॉडी लटका हुआ है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं जानता हूं समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, इस बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है। साथ में ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो यानी कि समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू भी क्या है, जीरो है। ना ही हमारी बॉडी ये रोटेट कर रही है, ना ही ये बॉडी हमारी मूव कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, उस केस में समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू भी जीरो है, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू भी जीरो है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो यही दोनों इक्वेशन अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बताइए अगर मैं इस बॉडी को मान लेता हूं, मतलब मानना क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लगने वाले फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं हमारे, टी वन लग रहा है, टी टू लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और दूसरा कोई फोर्स है नहीं। तो अगर इसका मास हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, m अज्यूम किया हुआ है, और इसकी टोटल लेंथ l है, तो इसका मास अगर m अज्यूम किया हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो मैं पहला इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू mg, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालू, ठीक है, मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करता हूं तो हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताइए। इस पॉइंट से होकर के ये हमारा T2 पास कर रहा है, तो T2 की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैंने यही वाला पॉइंट सिलेक्ट किया। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने में आपका फायदा ये होगा कि आप एक फोर्स की टॉर्क निकालने से बच जाओगे। अगर कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, तो वो थोड़ा सा लंबा सा इक्वेशन बन जाएगा। उसकी उससे बचने के लिए हम जिस एक किसी भी एक फोर्स के पॉइंट को ही हम कंसीडर कर लेते हैं, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा था उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम निकालते हैं, ठीक है ना, टॉर्क इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूँ तो टी टू के द्वारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक फोर्स हमारा आ रहा है टी वन, टी वन की वजह से जो टॉर्क होगा उसके लिए मतलब अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, और mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो बोर्ड के बाहर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। मतलब mg का टॉर्क t1 के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क t1 के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है। बताओ t1 की वजह से कितना टॉर्क आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 3l/4, तो इस पॉइंट के अबाउट इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट a, टॉर्क अबाउट a,
और अंदर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं, अंदर का जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं, तो T1 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है ना, देखो यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो T1 into 3L by 4, T1 into 3L by 4, फिर Mg की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको मैं अगर मैंने अंदर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया तो बाहर के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा, और वो कितना हो जाएगा Mg, और चूंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स है, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस L by 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Mg into L by 2, माइनस का Mg into L by 2, माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि वो बाहर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है एक अंदर की तरफ लग रहा है, ये दोनों मिल करके क्या होंगे, जीरो होंगे, तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी हमें, T1 into 3L by 4 is equal to Mg into L by 2, L से L कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली T1 is equal to क्या मिल जाएगा हमें, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2Mg upon 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो T1 is equal to हमें मिल गया 2Mg by 3, और T1 plus T2 is equal to Mg है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, T1 अपॉन T2 कैलकुलेट करना है, मैं क्या करता हूँ पहले इक्वेशन से, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कीजिए, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, तो डिवाइड कीजिए, T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस, Mg से Mg कैंसिल आउट, और 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो फाइनली 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा, 1 को इधर लेकर के आएंगे तो यहां से हमें इक्वेशन मिलने वाली है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, लेकिन हमें क्या चाहिए T1 अपॉन T2 चाहिए ना, तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 इज टू 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सोल्यूशन सही था हमारा, ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है हमारा, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, तो विदाउट स्लिपिंग मोशन कर रहा है, तो आप लोगों को कंडीशन पता होती है, विदाउट स्लिपिंग में जो हमारा वेलोसिटी होता है वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है, ये कंडीशन पता होनी चाहिए, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, बताइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है विदाउट स्लिपिंग तो उसके लिए अगर ये वी वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन कर रही है और इसका रेडियस अगर आर है और चूंकि सॉलिड स्फीयर भी गिवन है आपको, तो अगर रेडियस अगर आर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन r, अब ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और ये सॉलिड स्फीयर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा सॉलिड स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाले डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन 5 m r स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो मैं i की जगह पर लिख सकता हूं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 से तो 1 अपॉन 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा I, I इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूं 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर, अब यहां पर देखिए ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एम से एम कैंसल आउट हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बच जाएगा 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, तो आपका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2 अपॉन 5 किसका, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2 अपॉन 5 हो जाएगा, तो एक तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं, अगर सॉलिड स्फीयर के केस में होगा बस ऐसा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2 अपॉन 5 के बराबर होगा, केवल सॉलिड स्फीयर के केस में, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी सवाल आए हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, तो टोटल एनर्जी में क्या करना पड़ता है, नीचे की तरफ एड कर देना पड़ता इस काइनेटिक एनर्जी को भी, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के सम के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास एम रोल्स फ्रॉम
रेस्ट डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अभी मैंने जस्ट इसी सवाल का आंसर बताया कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो रोटेशनल और उसके ट्रांसलेशनल मोशन की दोनों की वजह से होता है और दोनों का सम होता है हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए रिंग ऑफ मास, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ डायमीटर 1 मीटर, एक रिंग है, इसका मास m है, 1 किलोग्राम गिवन है आपको, आप डायरेक्टली लिख दो 1 किलोग्राम। इस रिंग का मास जो है वो है 1 किलोग्राम और इसका रेडियस आपको क्या हो जाएगा, अगर इसका डायमीटर 1 मीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर। आपसे कह रहा है रोलिंग ऑन अ प्लेन रोड, एक प्लेन रोड पर ये क्या कर रही है, रोल कर रही है, इसका मतलब क्या है, विदाउट स्लिपिंग मोशन कर रही है। तो विद स्पीड ऑफ, स्पीड यदि इसका गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, बस कुछ नहीं करना है, बताइए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेट ऐसे कर रही होगी ना, तो इस पॉइंट के अबाउट कर रही है, इसके सेंटर के अबाउट कर रही है, बताइए रिंग का उसके सेंटर के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाली उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो पुट कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। और हम जानते हैं जब भी बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये बताइए हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पर भी बचा हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। मास इसका कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी इसकी कितनी है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फाइनली ये क्या हो जाएगा 4 जूल, काइनेटिक एनर्जी निकाला तो 4 जूल हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग ड्यूरिंग दिस मोशन, काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर इज। पहला ऑप्शन है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, जब भी हमारी रोलिंग मोशन नहीं हो रही होती है उस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस भी होगी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। देखिएगा ध्यान से, सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ना वेलोसिटी जो होगी वी इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है ना, स्लाइड भी कर रही है और रोल भी कर रही है, दोनों हो रहा है, आधा मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो क्या है ना कि ये सरफेस हम अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये स्लाइड भी कर रही है और रोल भी कर रही है, दोनों चीजें हो रही है। तो आपसे कह रहा है सेकेंड ऑप्शन में, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द प्लेन, तो ये प्लेन है और ये हमारा क्या हो गया, रोल किससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। बताइए इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, मैं ज़ूम कर लेता हूँ, इधर की तरफ भी हो सकती है, इधर की तरफ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो स्लिपिंग कर रही है कि क्या कर रही है, तो ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है। दूसरी, इसका जो मास होगा वो इसके कहां पर एक्ट कर रहा होगा, इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा होगा, तो इसके सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा। दूसरे किसी फोर्स का यहाँ पर जिक्र है नहीं, कभी भी जब बॉडी रोलिंग मोशन या एक तरीके से रोटेशनल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है तो ज्यादातर दो ही तरीके के फोर्स देखने को यहाँ पर मिलते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा और साथ में इसकी फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होती है जिस पॉइंट से होकर के अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आए, जिस पॉइंट इस पॉइंट जैसे एक बॉडी में वह पॉइंट जिससे हम टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें अगर वो टॉर्क जीरो आ जाए तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाती है हमारी कंजर्व हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। तो अगर टॉर्क हमारा किसी पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट जो हमारा डीएल वेक्टर है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि डीएल वेक्टर का मतलब क्या होता है, एल टू वेक्टर माइनस एल वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और यानी कि एल टू वेक्टर इज इक्वल टू एल वन वेक्टर, यानी कि हमारा मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, हमारा मोमेंटम इक्वल आ रहा है उस पॉइंट के अबाउट हर टाइम पर, चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि उस पॉइंट से उस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टॉर्क जीरो आ रहा है। तो आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। हम जानते हैं तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो और उस पॉइंट से होकर के कोई फोर्स पास कर रही है तो उस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो होता है, पता है ना आप लोगों को,
तो बताइए ये दोनों जो फोर्सेस है ना, कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां से होकर के पास कर रही है? यही वो कॉमन पॉइंट है जहां से mg भी पास कर रही है, जहां से फ्रिक्शनल फोर्स भी पास कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ इच पार्टिकल इज। ध्यान से देखिएगा, एक स्फीयर पर ना दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, और ये रोटेशनल मोशन भी इसी की वजह से हो पा रही है क्योंकि इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब ये इधर की तरफ, ये वाली बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये वाली बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और ये क्या कर रहा है ना, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये इधर की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ये ग्रेविटी मतलब रोटेशनल मोशन कर रहा है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इनकी वेलोसिटी वी है, मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं इनकी वेलोसिटी वी है। तो यहां पर देखिएगा आप कि इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये रोटेट कर पा रहे हैं, तो इनके v वेलोसिटी होने की वजह से सर्कुलर मोशन में आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय r। अगर ये r रेडियस के, अगर ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं तो इस पर जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा किसी भी एक बॉडी को अगर मैं ले लूं तो उस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mb स्क्वायर बाय r लग रहा है। और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, रेडियस तो हमें गिवन है और m मास की बॉडीज है, ये m मास की बॉडी है, ये भी m मास की बॉडी है, तो इन दोनों बॉडी को अट्रैक्ट कौन से फोर्स कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू मास यानी कि m स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर इसका रेडियस r है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r, हो जाएगा 2r का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल इज, दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू g इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं स्क्वायर कर देता हूं इसका डायरेक्टली, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, एक मास से एक मास कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू, इधर v स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ g इंटू m डिवाइडेड बाई 4r। क्या मैं 4 को बाहर ले लूं, तो 4 को बाहर लेंगे तो 2 बाहर आएगा और हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू जी एम डिवाइडेड बाई r, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, दैट इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू r, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या हमारा, दैट इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास भी आ रहा है, लेकिन सम ऑफ देयर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है If g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the gain in the potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to the height equal to the radius r of the earth is, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर अर्थ सर्फेस पर कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो चूंकि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो r अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और इसका मास ऑफ अर्थ m e अज्यूम कर लेते हैं, और m मास का ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है, ठीक है। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड अर्थ सरफेस द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा निगेटिव होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा हमें दिया गया है कि अगर ये सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर चला जाए उस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये गेन कर लेगा। तो यहां पर जब है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसके पास, पहली वाली पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू एम डिवाइडेड बाई आर, और दूसरे वाले पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस का जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर और ये आर मिलकर के 2r हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि
जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, उसको जो आर मान रखा है, तो मैं एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ये हो जाएगा माइनस का एम जी इंटू आर, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एम जी इंटू आर बाई टू। तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन। यू वन कितना है हमारा, माइनस का एम जी आर बाई टू माइनस, और हमारा यू वन है माइनस का एम जी आर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एम जी आर में से हाफ एम जी आर जाएगा, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी आर बाई टू हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम जी आर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द डायमीटर ऑफ द ब्रास रॉड इज 4 mm। डायमीटर एक ब्रास रॉड का दे रखा है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 mm। उसके बाद कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज y इज इक्वल टू कितना है, 9 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ मीटर। तो यहां से अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहूं तो जानता हूं डायमीटर का आधा होता है, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर का हमारा रेडियस है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.1/100, यानी कि इसको जब कैलकुलेट करूंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³। फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, बताइए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इनटू एल, ये होता है हमें, ये डायरेक्टली गिवन हो गया, ये भी गिवन दे दिया, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। क्या से, क्या यहां से मैं एक फॉर्मुला बना सकता हूं, एफ इज इक्वल टू ये कंप्लीटली इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कीजिए, वाई की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻¹⁰ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई। आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, यह हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया, और डेल्टा एल अपॉन एल हमें 10⁻³ डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻¹⁴ तो ये हो जाएगा 4π। पाई के टर्म्स में आंसर दे रखा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4π हो गया, × 10⁻³ −3 × 2 = −6 − 3 = −9 तो 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 − 9 = 1 और 9 × 4 = 36 और × 10 = 360π और फोर्स हमने निकाला तो इतना न्यूटन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 360π न्यूटन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है assertion, assertion रीजन वाले सवाल है। तो पहला, अब हमें गिवन है assertion में द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, बिल्कुल गलत बात है। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकते, हो सकते हैं तब हो सकते हैं जब हमारा एम ई बराबर हो जाए आर ई के स्क्वायर के, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और जी इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जो कब आता है, जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर इसका इंट्रोडक्शन होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। रीजन कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी गलत है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होता है। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अगले सवाल में ना हमारे पास एक पुली ब्लॉक दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट ब्रेक, ठीक है। मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर पूछ रहा है, ये जो वायर यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं ना 2 kg के ब्लॉक, इधर भी 2 kg के ब्लॉक को बांधे रखने के लिए, ये बताइए सबसे पहले कि ये 2 kg का ब्लॉक इधर भी है, 2 kg का ब्लॉक इधर भी है, ये भी हमारा 20 N का फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी हमारा 20 N का फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों ब्लॉक किस में है, इक्विलिब्रियम में है।
इसमें एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं, एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूँ कि ये बॉडी हमारी एक्सीलरेट नहीं कर रही, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन और ये हो जाएगा हमारा टी, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 20 न्यूटन। तो रस्सी में टोटल टेंशन कितना आने वाला है, फोर्स कितना आने वाला है, 20 न्यूटन का फोर्स आने वाला है। उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेस दे रखी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/π × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। हमें फोर्स मिल गया, तो मैक्सिमम कितना फोर्स उस पर लग सकता है, लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये बताइए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस, फोर्स इज इक्वल टू कितना है 20, और स्ट्रेस हमें गिवन है 2/π × 10⁹। ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10π × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। मास 2 किलोग्राम स्ट्रेस बाय अ मटेरियल, फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10π × ठीक है, तो ठीक है चलिए, तो ये हमने एरिया निकाल लिया, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस 10 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁸, और अंडर रूट से जो बाहर निकलेगा 10⁻⁸, तो क्या बचेगा 10⁻⁴ बचेगा, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम रेडियस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज इतना, इंक्रीज्ड इन द लेंथ इज 1 मिलीमीटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड का, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें चेंज इन लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम स्ट्रेस को यहाँ से क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बताइए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो गिवन है कि नहीं गिवन है, वो भी नहीं गिवन है। ठीक है, नहीं फोर्स तो गिवन है ना, हमें फोर्स गिवन है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर लेंथ 4 मीटर द इंक्रीज इन द लेंथ। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, हमें यहाँ से क्या करना है ना, यंग्स मॉडुलस को भी रिप्लेस करना है, यंग्स मॉडुलस भी नहीं, नहीं यंग्स मॉडुलस गिवन है, वेरी गुड। तो ये बताइए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो अब रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 × स्ट्रेस की जगह पर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, पहले से था एक और स्ट्रेन आ गया, तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेन का स्क्वायर, बस हो गया। और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इधर आगे मल्टीप्लाई होगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होता है। तो फाइनली हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो जो गिवन है उसके टर्म्स में, 1/2 × यंग्स मॉडुलस × स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल, तो इसका स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, एक एल से एक एल कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/2 × y × डेल्टा एल का स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज 1/2 × y की वैल्यू कितनी गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻¹ × Δl की वैल्यू हमें 1 मिलीमीटर गिवन है, ये हो जाएगा 10⁻³, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्क्वायर है, सॉरी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें 3 × 10⁻⁶ गिवन है डिवाइडेड बाई लेंथ में पुट करना है और लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर की बहन है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 × 10⁻¹, यहाँ से 11 आ रहा है, ठीक है, 2 × 10⁻¹ 11 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 - 6 = -12 +11 = -1, ये हो जाएगा -1, तो फाइनली ये हो जाएगा 0.3/4, तो ये हो जाएगा 0.0 और 4 × 7 = 28 और 5 यानी कि 0.075, और इनर्जी हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा,
तो 0.075 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, एन ऑयल ड्रॉप फॉल्स थ्रू एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5×10⁻⁴ मीटर। टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5×10⁻⁴ मीटर। और कह रहा है द रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी, मतलब रेडियस ऑफ द ड्रॉप क्या होगा। उसके बाद से बोला नेगलेक्ट एयर डेंसिटी कंपेयर टू दैट ऑफ ऑयल। ऑयल के कंपेरिजन में एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल है, और विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया गया है हमें, एंड जी की वैल्यू दी गई है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है उसका, ठीक है। तो ऑयल है हमारा यहाँ पर, तो ऑयल का डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर में हमारा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, एयर में गिर रहा है ना, ऑयल ड्रॉप एयर में गिर रहा है, तो एयर की डेंसिटी इनटू जी होता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वेलोसिटी में गिवन है, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 ईटा वीटी हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और बाकी नीचे आ जाएगा 2×। अब देखिए यहाँ पर ना एयर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल अज्यूम करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर नेग्लेक्ट बोल रहा है, नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर कंपेयर टू द ऑयल, तो यहाँ पर क्या बचेगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल बचेगी केवल इंटू जी। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9×, नीटा की वैल्यू यानी कि विस्कोसिटी ऑफ एयर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 18×10⁵, 18×10⁵ अपॉन 5 इतना गिवन है, इंटू टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है 5×10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2×, डेंसिटी ऑफ एयर हमें 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, और जी की वैल्यू होती है 10। चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 900 100 बार में जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 9 बार में चला जाएगा, तो फाइनली केवल 9 बचने वाला है हमारा यहाँ पर, और 9×10⁻⁵ -5 -4 -9, और ये -3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 12, ये आया हमारे आर स्क्वायर के बराबर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 9×10⁻¹2, तो फाइनली आर इज इक्वल टू 9 बाहर आएगा, तो 3 आएगी बाहर, और -12 का मतलब -6, दैट इज इन मीटर। तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या मिलने वाला है हमें, जो ऑयल ड्रॉप है वो मिलने वाला है 3×10⁻¹⁶ मीटर। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अभी हमने पीछे ही देखा जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगला सवाल कह रहा है द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, है ना, विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इन द टेंशन इज अप्लाइज। सबसे पहले ये बताइए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एल को इधर लेकर के जाऊं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा हमें एफ एल, ऊपर चला जाएगा हमारा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया, यानी कि जो हमारा चेंज इन लेंथ आने वाला है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब हमसे बोला जा रहा है कि फोर्स कॉन्स्टेंट है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम मटेरियल है, तो कॉन्स्टेंट ही होगा, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर अपॉन, सॉरी एल इन एल अपॉन ए के, किसके प्रोपोर्शनल है, एल अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवेन है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंथ और डायामीटर गिवेन है, तो लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और डायामीटर है 1 mm, ठीक है, और सभी का डायामीटर mm में ही है, सभी का डायामीटर mm में है और सभी का लेंथ सेंटीमीटर में है, तो हमें यहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें रेशियो देखना है किसका रेशियो बड़ा आ रहा है। तो अगर हम पहले वाले के लिए रेशियो देखेंगे तो पहले वाले के एल अपॉन, अब चूंकि डायामीटर दिया हुआ है ना, तो डायामीटर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं लेंथ अपॉन डायामीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, एरिया जो होता है वो डायामीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे क्या चेक करना है, पहले वाले के लिए चेक करना है लेंथ अपॉन डायामीटर का स्क्वायर, तो 100 अपॉन डायामीटर कितना गिवन है हमें, 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 100 मिल जाएगा। दूसरा चेक कर लीजिए लेंथ कितना हमें 200 सेंटीमीटर, यूनिट सबके सेम है इसलिए मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें 50 मिलने वाला है। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो इसमें कितना है 300 अपॉन 3 का
स्क्वायर, तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा, 300 upon 9 हो जाएगा, ये तो 50 से भी कम हो गया। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो वो कितना हमारा 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, और डायमीटर कितना 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.5 का स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.25, ये हो जाएगा 50, और दो जीरो ऊपर बढ़ाएंगे दो जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 25, और ये मिलने वाला है हमें 200, और 200 हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होने वाली है चौथे वाले कॉम्बिनेशन में, ऐसा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल व्हेन वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा एल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, तो वही वाली इक्वेशन लिख लीजिए, ये बताइए डेल्टा एल इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा, फोर्स इनटू एल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एरिया। अब यहां से देखिए, चूंकि हमें कह रहा है ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि अब यहाँ पर दो वेरिएबल अभी दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होती है, तो मैं एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकता हूँ। तो इस एरिया की जगह पर मैं लिखूंगा एफ इंटू एल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया को मैं चेंज कर दे रहा हूँ लेंथ के टर्म्स में, कि हो जाएगा वी बाई एल, और एल जो नीचे आ रहा है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन y इंटू वी। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम v कॉन्स्टेंट बोला गया, ये दोनों कॉन्स्टेंट ही होते हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डेल्टा l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, तो इन दोनों का जो ग्राफ आने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट स्लोप हमारी एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हमारी स्लोप कॉन्स्टेंट होती है। तो चूंकि ये कॉन्स्टेंट हमें सवाल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओसीन इज, है ना, एक ओसीन है जिसका डेप्थ हमें अप्रोक्सीमेट डेप्थ हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2770 मीटर। आगे कह रहा है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वॉटर इज, कंप्रेसिबिलिटी हमें गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 45.4 × 10⁻¹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 
व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज, यहाँ पर फ्रैक्शनल वाटर में कंप्रेशन कितना होगा, फ्रैक्शनल वाटर में कंप्रेशन का मतलब क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी से है, हमें डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट करना है। ये बताओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, यही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मुला होता है। और कंप्रेसिबिलिटी हम जानते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है, हमें ये वाली क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं इसको इधर की तरफ लेकर के आऊं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा P अपॉन बीटा, और बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P इनटू कंप्रेसिबिलिटी। डेल्टा P का मतलब क्या है, अब ये बताओ डेप्थ ऑफ द ओशन कितना है 2700 मीटर, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, वही वाला प्रेशर तो है, तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा हमारा चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू एम जी रो जी एच। फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एच डेप्थ पर हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच, अगर ये वाटर है ओसिन है तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी, रो की वैल्यू 10^3 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 होती है, एच की वैल्यू 2700 दे रखी है, इंटू कंप्रेसिबिलिटी हमें दे रखी है 45.4 × 10^-11। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेट करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 1.22 समथिंग आता है इंटू 10^-2, ठीक है, 10^-2, और किसमें आएगा ये हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा वी अपॉन वी। अब चूंकि डेल्टा वी अपॉन वी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 2 में 1.2 × 10^-2, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके खुद से देख लीजिएगा, सेम ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल में बोल रहा है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम सेम एट ऑल द प्लेसेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑल द प्लेसेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा अज्यूमिंग स्फेरिकल अर्थ सर्फेस, स्फेरिकल अर्थ, है ना, तो अर्थ को हमने स्फेरिकल जब अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, अर्थ की शेप की वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंजेस सरफेस पर अलग अलग होते हैं, और अगर अर्थ हमारा रोटेट करता है तो रोटेशनल की वजह से भी हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंजेस आते हैं, तो उस
अगर ग्रेविटेशनल के मतलब अर्थ के रोटेशन को अगर बंद कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल में अर्थ के रोटेशन की वजह से तो चेंज तो रुक जाएगा, लेकिन उसके स्पेस की वजह से, उसके मतलब सरफेस की वजह से उसमें चेंजेस कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन अगर हम स्फेरिकल अज्यूम कर लें, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल है, तो उस केस में हमारे अर्थ के हर सरफेस के हर जगह पर, अर्थ सरफेस के हर जगह पर हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमारा असर्शन क्या हो गया यहाँ पर, सही हो गया। रीजन कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होती है हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ पर, जी की वैल्यू डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है, अगर हम मान लें कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेट करने की वजह से यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर के डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा होता है, एम ओमेगा स्क्वायर और आर साइन थीटा, ये वाली जो डिस्टेंस आती है वो आर साइन थीटा के बराबर आती है। तो आर साइन थीटा के बराबर एक इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है जो उसके mg में कम हो जाता है, तो इसका जो नेट फोर्स आता है वो mg माइनस दिस आ जाता है, और m से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मतलब g इफेक्टिव होता है ना, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी कुछ वैल्यूज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कम हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर मान लूं तो वर्टिकल एक्सिस से जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही होती है वहां से उस पॉइंट के ऑब्जेक्ट का एंगल होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना वो अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अर्थ के रोटेशन को अगर बंद कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, सभी जगह सेम हो जाएगी। कब सेम हो जाएगी, जब इसको हम स्फेरिकल अज्यूम करके चलेंगे, है ना। तो अर्थ के सरफेस पर हर जगह हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी, तो पहला तो सही है। लेकिन दूसरा बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये बिल्कुल गलत है, रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो रीजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और असर्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड व्हेन द होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ जी बाई थ्री द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड विल बी। कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम जी बाई थ्री एक्सेलरेशन से ऊपर के डायरेक्शन एक्सेलरेट करने लगे तो ये जो इमर्ज हुआ है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इनिशियली ये एक्स इमर्ज हुआ है, या सवाल में दे रखा है ये हाफ इमर्ज्ड है। कितना इमर्ज्ड है, हाफ इमर्ज है और हाफ बाहर की तरफ है इस ब्लॉक का वाटर में। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम जी बाई थ्री एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगेगा तो क्या इसके इमर्जेंस में कोई फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ने वाला है। तो एक चीज हम जानते हैं कि इसका जो भी पार्ट नीचे की तरफ फ्लोट करता है तो अगर उसको देखें तो हम जानते हैं कि इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, बायंसी फोर्स लग रहा है। तो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम वेट की बात करें, बॉडी के वेट की बात करें, तो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है उस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी तो ये बॉडी फ्लोट कर पाती है। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंप्लीट सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। क्या मैं जी से जी को कैंसिल आउट कर दूं तो वॉल्यूम इमर्ज का फॉर्मूला क्या मिल जाने वाला है हमें, वॉल्यूम इमर्ज का फॉर्मूला हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला मिलने वाला है वॉल्यूम इमर्ज का। तो इसमें एक्सेलरेशन का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन का कोई भी टर्म नहीं आ रहा। अगर एक्सेलरेशन का इसमें टर्म आता ना तो उस केस में ये अगर g बाई थ्री एक्सेलरेशन से ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता तो ये बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो एक्सेलरेशन आ रहा है और वो स्यूडो एक्सेलरेशन g बाई थ्री के बराबर होता। तो अगर ये एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना इमर्ज होगा तो उस केस में हमारी जो डेप्थ इमर्ज हुई है उससे ज्यादा या कम हो सकती थी, लेकिन जब ये एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कितना वॉल्यूम इमर्ज होगा, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जितना पहले इमर्ज था उतना ही अब भी इमर्ज रहेगा। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये g बाई थ्री एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पर जो स्यूडो एक्सेलरेशन आएगा g बाई थ्री वो इस बॉडी पर भी आएगा और लिक्विड पर भी तो आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लिक्विड पर भी तो आएगा। तो इस केस में इसका जो इमर्जेंस होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो पहले अगर हाफ इमर्ज था तो अब भी क्या इमर्ज होगा, हाफ ही इमर्ज होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा उसके इमर्जेंस में। समझ में आया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, ए राफ्ट ऑफ वुड ऑफ मास 120 किलोग्राम फ्लोट्स इन वाटर, द मास दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक हमारा वाटर फिल है और यहां पर एक राफ्ट फ्लोट कर रहा है और राफ्ट की मास दी गई आपको 120 किलोग्राम और राफ्ट की डेंसिटी हमें गिवन है, राफ्ट की डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या कर रहा है ना कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है। द राफ्ट ऑफ वुड ऑफ मास 120 किलोग्राम इन द वॉटर द मास दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले बायंसी फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। क्या हम इसकी हेल्प से, इस डेंसिटी की हेल्प से और इसके मास की हेल्प से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ राफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ राफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 120 अपॉन डेंसिटी कितना है 600 इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आ गई। और इस पूरे वॉल्यूम को नीचे की तरफ इमर्ज होने के लिए हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ये बॉडी कब सिंक हो जाएगी, जब वेट इज ग्रेटर देन बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स अगर वेट ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम हमारी सिंक कर जाएगी। तो वेट इज ग्रेटर आर इक्वल देन बायंसी फोर्स होना चाहिए। तो वेट हमारा कितना है, वेट तो हमारा 120 इंटू जी है, लेकिन इस पर हम कितने मास का एक क्या रख दें, एक मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, द मास दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक। जस्ट सिंक के लिए हमारा जो वेट है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, बायंसी फोर्स होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि m मास का ऑब्जेक्ट मैंने इस राफ्ट पर प्लेस कर दिया, तो अब इसकी टोटल वेट कितनी हो जाएगी, इसकी वेट हो जाएगी 120 प्लस m इंटू जी। तो वेट हो गया हमारा 120 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू बायंसी फोर्स कितना लगेगा, जब ये कंप्लीटली जब ये सिंक होता है, सिंक होगा तो कंप्लीटली नीचे आ जाएगा ना, तो कंप्लीटली नीचे आएगा तो पूरी की पूरी वॉल्यूम इमर्ज हो जाएगी और इसका वॉल्यूम हमने निकाल रखा है। तो जितनी वॉल्यूम इमर्ज होगी वाटर उतना ही तो अपवर्ड डायरेक्शन में उतने ही वॉल्यूम के बराबर, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसके अकॉर्डिंग तो बायंसी फोर्स लगाता है ना। तो बायंसी फोर्स क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही होता है फॉर्मूला। यहां से जी कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम इमर्ज हमारा क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10^3 होता है, हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10^3। तो यहां से मास निकल जाएगा हमारा। अब देखो यहां पर जब ये 10^3 हो गया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 200 और 120 को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। यानी कि 80 किलोग्राम के मास का ऑब्जेक्ट अगर मैं इस पर प्लेस कर देता हूं तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द लिक्विड फ्लो इन अ पाइप बी मोस्ट स्ट्रीमलाइंड। अब देखिए, हम स्ट्रीमलाइंड या किसी भी फ्लो को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर एक टर्म हम लेकर के आते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफाइन किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर जितना ज्यादा कम होता है ना उतना ही फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू, जहां पर रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड होती है, डी क्या होता है, डायामीटर ऑफ द पाइप होता है, जिस पाइप की अगर हम बात कर रहे हैं उसका डायामीटर, और म्यू क्या होता है हमारा, विस्कोसिटी होता है। तो ये बताओ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर should be very less, जितना possible हो सके उतना ज्यादा कम होना चाहिए Reynolds number streamline flow के लिए। तो अगर Reynolds number कम होना चाहिए तो बताइए mu की value क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, diameter यानी कि radius की value क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, volume की value क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और density of water क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये तीनों quantities कम होनी चाहिए और viscosity ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से कौन सा option सही है, कह रहा लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी एंड
लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए, एंड लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होनी चाहिए थ्रू अ पाइप ऑफ स्मॉल रेडियस, स्मॉल रेडियस क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो स्मॉल है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है टू वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड। ठीक है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज, ठीक है, तो इसके पास से पास हो रही है वेलोसिटी v1 और यहां से वेलोसिटी v2 है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के द्वारा कि डायमीटर दिया है ना, दिस इज द डायमीटर, ठीक है ना, ये डायमीटर है। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जानते हैं a1 v1 बराबर होता है a2 v2 के। a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू, a2 क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 4, और इसका डायमीटर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू v2, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 4 4 16 v2, 4 से ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 v2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर डायमीटर से पास होने वाली वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पास 4 सेंटीमीटर डायमीटर से पास होने वाली वेलोसिटी के 4 गुने के बराबर है। तो अगर यहां पर वेलोसिटी v2 है, यहां पर वेलोसिटी v1 है, तो v1 इज ग्रेटर देन, v1 इज इक्वल टू 4v2। हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज 4 टाइम्स दैट इन द अदर पाइप। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है 33 में स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बिल्कुल सही बात है। अंडर द गिवन डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्स स्टील इज डिफॉर्म लेस देन द रबर, स्टील बहुत कम डिफॉर्म होती है क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इंड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पाइप है और अगर रेडियस रेडियस का अगर यहाँ पर रेडियस R1 है, यहाँ पर रेडियस R2 है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 3/2, इन दोनों का रेशियो गिवन है, देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना, यहाँ पर वेलोसिटी होगा, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लिक्विड इज। तो हम जानते हैं कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू V2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। तो हमारा V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4:9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट द एक्सट्रीम नैरो पोर्शन ऑफ द पाइप, द वाटर विल हैव। देखिए, एक्सट्रीम नैरो पाइप जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, A1 V1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 V2 के बराबर होना चाहिए, यानी यहां से हमें यह पता चल रहा है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, या हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो कह रहा है कि नैरो पाइप है, नैरो पाइप का मतलब क्या है कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया हमें। ठीक है, यानी कि स्पीड हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम। आपने देखा होगा कि जो प्रेशर हेड होता है और जो वेलोसिटी हेड होता है उन दोनों का समेशन कांस्टेंट होता है। तो चूंकि अब यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गई है, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, तो प्रेशर क्या होनी है, ऑटोमेटिकली कम होनी है। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो जेड का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड एंड लीस्ट प्रेशर, यानी कि 35 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। वाटर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, ठीक है, 5.18 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 5.18 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि एक पाइप दी गई है और एक जगह उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहां पर वाटर की जो स्पीड है वो गिवन आपको 5.18 मीटर पर सेकेंड।
आगे कह रहा है कि वाटर ग्रेजुअली डिसेंड्स 9.6 मीटर एज द पाइप इंक्रीज इन द एरिया, नाइन इसका एरिया जो है वो हो जा रहा है 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा है ना, द स्पीड ऑफ द फ्लो एट द लोअर लेवल इज। अब चूंकि मैंने पाइप हॉरिजॉन्टल इस टाइप का बना दिया है लेकिन ये डिसेंड हो रहा है 9.66 मीटर, ये पाइप कुछ ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया इसका ज्यादा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। हमें पाइप में जब भी वाटर का फ्लो हो रहा हो तो वहां पर दो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और एक हम बर्नौली सीरम की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी की इक्वेशन अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, क्योंकि मुझे A1 B1 पता है, मुझे A2 पता है, मुझे B नहीं पता है बस, तो इसके लिए मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों सेक्शन पर लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 कितना हमारा, A1 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। V1 इज इक्वल टू कितना हमारा 5.18 इज इक्वल टू A2 हमारा कितना है 7.6 इंटू V2, तो V2 हमारा मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 5.18 डिवाइडेड बाई 7.6, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.86 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा, यानी कि V2 हमारी दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पर हमारा वाटर कितने स्पीड से फ्लो हो रहा होगा 2.86 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रहा होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, फॉर अ सैटेलाइट इसके वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकंड, इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल देन एस्केप वेलोसिटी विल बी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एस्केप वेलोसिटी जो होती है ना वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी हमने अर्थ से एस्केप वेलोसिटी निकाला था तो हमने यहाँ पर एनर्जी को क्या किया था, यहाँ पर टोटल एनर्जी इतना हमने लिया था कि ये इनफाइनाइट पर जाकर के एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी की एक इक्वेशन मिली थी और इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया था हमारी जो एस्केप वेलोसिटी आई थी वो आई थी 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो किसी भी एंगल पर हम प्रोजेक्ट करें, किसी भी 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें या 0 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, हमें जो एस्केप वेलोसिटी मिलने वाली है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड ही होती है। एस्केप वेलोसिटी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उस केस में भी एस्केप वेलोसिटी हमारी 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी। 38 द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद, वैल्यू ऑफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके साथ वेरी करता है, तो हमें आपको ये बता देना, मतलब आप लोगों को पता ही होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यूनिवर्सल लगा हुआ है, तो जिस भी कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल लग जाए वो किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी फैक्टर के अनुसार चेंज नहीं होता है, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला सवाल है हमारा, द हाइट ऑफ द मर्करी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट सी लेवल, ठीक है, एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप हिल, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी टू दैट ऑफ एयर इज 10^4, द हाइट ऑफ द हिल इज। यहाँ पर ये कह रहा है ना कि एक यहाँ पर हिल है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर सी लेवल है, तो सी लेवल से हिल जो है हमारा उसके बीच की डिफरेंस, हाइट डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का हाइट का मतलब हाइट कितना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हम मर्करी रख रहे हैं, मतलब बैरोमीटर ले रहा है, उसमें मर्करी की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 70 सी लेवल पर 75 सेंटीमीटर आ रही है, और यहाँ पर कितनी आ रही है, 50 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू मर्करी की हाइट कितनी आ रही है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आ रही है, मैं क्या लिखूंगा, मर्करी की डेंसिटी इंटू जी इंटू 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मर्करी की डेंसिटी इंटू जी इंटू 75 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये हो गया हमारा P2, और बोल रहा है कि इसके बीच की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, अगर डेंसिटी ऑफ मर्करी टू दैट ऑफ एयर का रेशियो हमें 10^5 गिवन है, यानी कि मर्करी की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी का रेशियो हमें 10^4 गिवन है। बताइए इसके बीच में क्या लाई कर रहा है, एयर ही तो लाई कर रहा है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं प्रेशर डिफरेंस निकालूं डेल्टा पी, तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू रो, मतलब सॉरी जी इंटू एच, उसके बाद से जी इंटू एच, यही हो जाएगा हमारा डेल्टा पी, और डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 कितना है हमारा, डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 75 माइनस P1 कितना हमारा, डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 50 सेंटीमीटर में इज इक्वल टू, दोनों सेंटीमीटर में रख रहा हूं, तो अगला जो एच की वैल्यू आएगी वो भी किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, इंटू जी इंटू एच, जी से
मैं इधर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकता हूँ, रो जी इधर कॉमन ले लूंगा तो 75-50=25 आ जाएगा, तो रो इंटू रो एच जी और रो एयर को मैं इधर लेकर के आता हूँ इंटू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा और ये वैल्यूज हमें दी हुई है कितना दी हुई है 10^4 तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 10^4 सेंटीमीटर, हमें ये वैल्यूज किलोमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में है तो 10^2 तो हट जाएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 मीटर और जब मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा एच की वैल्यू हमारी 2.5 किलोमीटर आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अगला सवाल है हमारा, ए स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद इन एयर इट एक्सपेंड्स बाय LA and when the weight is immersed completely in the water the extension of the reduced to LW ठीक है is reduced to LW the extension is reduced to LW then relative density of the material of the weight is relative density of the material of the weight क्या होता है relative density of the material divided by sorry density of the material divided by density of the water ये हमारा relative density of the material हो जाता है। कह रहा है कि इमर्ज्ड कंप्लीटली इन वाटर द एक्सटेंशन इज रिड्यूस्ड टू LW। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने इसको ठीक है देन द इमर्ज्ड कंप्लीटली इन वाटर देन एक्सटेंशन इज रिड्यूस्ड टू LW, एक्सटेंशन जो है ना हमारा वो LW रिड्यूस्ड हो गया, मतलब ये वाली वैल्यूज हमें गिवन है LW और ये गिवन है हमें एक्सटेंशन रिड्यूस्ड LW, तो हम क्या करते हैं ना इसको पहले मिटाते हैं। चलिए इसमें जो डेल्टा L चेंज आ रहा है जब हम इसको एयर में सस्पेंड कर रहे हैं और जब ये वाटर में है, तो एयर में हमारा जो डेल्टा L आ रहा है उसको हमने बोल दिया LA और जो इसमें चेंज आ रहा है वाटर में डेल्टा एल वो एल ए माइनस एल डब्ल्यू है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर बोला द एक्सटेंशन इज रिड्यूस्ड टू LW, रिड्यूस्ड टू LW, रिड्यूस्ड टू नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है, यहां पर डेल्टा एल हमारा LW ही है, रिड्यूस्ड टू LW है, यानी कि LW हमारा जो डेल्टा एल है ना वाटर के केस में हमारा LW है, ये है ना, तो डेल्टा एल हमारा LW है और डेल्टा एल यहाँ पर LA है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये बताओ सबसे पहले हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल होता है, यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर देखिए एल का हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एरिया, दिस इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहां पर लेंथ में तो चेंज आ नहीं रहा है, इसकी जो लेंथ है वो वही है, ठीक है इसकी भी लेंथ कॉन्स्टेंट ही है, इसकी भी लेंथ एल ही है, मैंने छोटा बना रखा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर यंग सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होना नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होना नहीं है, अगर एयर में है तो वहां पर इसकी वेट नीचे की तरफ ज्यादा लग रही होगी, मतलब फोर्स ज्यादा लग रही होगी, वाटर में जब आ गया तो उस पर एक बायंसी फोर्स आ जाएगा जो कि उसके वेट को रिड्यूस कर देगा, बस यहाँ पर फोर्स के मतलब फोर्स में वो अलग चीजें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर देखिए डेल्टा एल को लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या मैं अगर चलिए एयर की बात कर लेते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल ए हो जाएगा, तो एल ए का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा मैं फोर्स एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए, ये तीनों क्वांटिटीज तो सेम है, एफ इज इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका मास एम है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा एम जी लगेगा जो कि इसको लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mg, ये हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाई y into a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लगेगा, लेकिन जितना इसका वेट होगा उतने वेट की वजह से ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स लगेगा और बायंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर अगर मैं LW लिखना चाहूंगा यहां पर देखिएगा LW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू इसके mg में कितना कम हो जाएगा
यहाँ पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा एफ नेट दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए इंटू एल इंटू रो डब्ल्यू वी इंटू जी वी होता है ना इंटू जी हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा एफ, क्या है फोर्स हमारा एम जी माइनस ए एल रो डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है अब एम एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एम, मास इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ डायरेक्टली मास इज इक्वल टू, तो मैं लिख देता हूं रो इंटू ए इंटू एल, ये तो हमारा हो गया मास। ठीक है और इंटू जी इस माइनस ए इंटू एल इंटू रो ऑफ डब्ल्यू और जी इसमें भी है, जी इसमें भी है तो क्या मैं जी को कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया हमारा फोर्स डिवाइडेड बाई इंटू एल भी आएगा और फिर वाई इंटू ए। अब मैं क्या कर रहा हूं ना दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां से एल ए अपॉन एल डब्ल्यू इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, यहां से देखिएगा जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई ए से वाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू ए इंटू एल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है तो यहां से देखिए ए एल यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ए एल यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ये ए एल से ये ए एल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा आपके पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ वॉटर, ये चीजें बचने वाली है। अब क्या हो रहा है ना कि मैं थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं, एल डब्ल्यू अपॉन एल ए इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू वन माइनस डेंसिटी ऑफ द वॉटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है ये चीज मिल जाएगी हमें। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेकर के आता हूं, तो डेंसिटी ऑफ वॉटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू वन माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल ए, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें एल ए माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल ए। अब यहाँ पर हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए था और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी इज इक्वल टू, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा कि हो जाएगा एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी तो हुआ लेकिन हम इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इस एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 41, मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड मेंशनड इन कॉलम 1 विद रिलेटिव पैरामीटर मेंशनड इन कॉलम 2, मतलब ये डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो फर्स्ट हमारे किससे मिल जाएगा फोर्थ से मिल जाएगा, तो फर्स्ट फोर्थ से मिलते हुए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट एक लास्ट। दूसरा चेक कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ना वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दूसरा का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, तो दूसरा का पहला दूसरा का तीसरा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी और लास्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द मास एम, सेंटर ऑफ द ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ठीक है अर्थ ऑफ मास एम रेडियस आर द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाई द बॉडी वेन इट रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी, देखो क्या है कि हमारा ये क्या है अर्थ है और यहां से आर नॉट डिस्टेंस पर एक बॉडी है जो इनिशियली कहां पर है रेस्ट पर है और जब ये मूव करना स्टार्ट करती है, मूव क्यों करेगी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करना स्टार्ट करेगी, जब ये अर्थ पर गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आर नॉट आर के कंपैरिजन में इसका जो रेडियस है वो आर है और इसका मास जो है वो है कैपिटल एम, तो उसके कंपैरिजन में ये एक्सेलरेशन जो है ना वो वेरी कर रहा है, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है अगर मैं मान लेता हूँ इसका मास जो है स्मॉल एम है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर कितनी है माइनस का जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस का जी इंटू एम डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और यही वाली वी कैलकुलेट करनी है, और चूंकि दोनों यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एनर्जी एक दूसरे के कंजर्व होगी, मतलब बराबर होगी, मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी माइनस का जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम से सारे स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएंगे और ये इधर आएगा, और फाइनली वी इज इक्वल टू हमें मिलने वाली है अंडर रूट ऑफ टू इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई या इंटू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, वेलोसिटी हमें ये मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम हाइट एच ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट सम इंस्टेंट टी, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है और उसकी एक्सिस ये होती है, और सॉलिड सिलेंडर अगर है, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर अगर है, हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ने वाली जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कैसे कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे ही रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मुझे इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। अब देखिए यहाँ पर ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होता है, रोटेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आता है। सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाल लेता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इज इक्वल टू कितना है हमारा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, रोलिंग मोशन में वी अपॉन आर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा वी अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया वन अपॉन फोर एम बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन फोर एम बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर होती है, और फाइनली एम बी स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर बचेगा हमारे पास वन अपॉन फोर, नीचे बचेगा ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया और फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री यानी कि वन इज टू थ्री। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो वन बाई थ्री होता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हमारा डेल्टा एफ मतलब ये हो जाएगा पहला, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा टोटल एफ होता है ना नेट फोर्स होता है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले का थर्ड और दूसरे का फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है ना, और सारे में गलत दिखाई दे रहे हैं, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्या हो जाता है हमारा एम के स्क्वायर हो जाता है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी तो होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए फ्लोट्स इन अ लिक्विड, ठीक है ये चीजें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम अंडरगोज ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड टी, ठीक है हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, हमारे पास ये वाटर का लेवल है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसे हमारा क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है, अब मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, मैंने एक्स इसको नीचे लेकर के आया, एक्स नीचे लेकर के आया कि बताइए एक्स नीचे अगर मैं कर रहा हूं तो कितना वॉल्यूम मैंने एक्स्ट्रा नीचे कर दिया, पहले अगर ये इक्विलिब्रियम में था तो बायंसी फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर थे, और अगर मैंने एक्स इसको नीचे कर दिया तो कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा मैं इंक्रीज कर दिया, उस वॉल्यूम की वजह से ऊपर के नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स आएगा, वो जो नेट फोर्स आएगा ना एक तो बायंसी फोर्स इक्विलिब्रियम में जब था ये तो ऊपर लगने वाला बायंसी फोर्स इसके वेट के बराबर था, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ इसको एक्स डिस्प्लेस किया एक्स्ट्रा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है उस केस में ये क्या करेगा ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स आ जाएगा, क्यों क्योंकि इसकी वॉल्यूम नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज हो चुकी है, वॉल्यूम जो मतलब वाटर का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या हो गया इंक्रीज हो गया ना, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही तो नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी होता है, जितना डिस्प्लेस हुआ एक्स्ट्रा उसका वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स इंटू रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये होता हमारा एक्स नेट, ठीक है। अब बताओ एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए इक्वेशन का
हम क्या लिखते हैं, एफ का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, और देखो हमने डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करा ना, तो इस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा, ए इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एक्स। अब इसको अगर एस एच एम के इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो के की जगह पर क्या आ गया, के की जगह पर आ गया यहाँ पर ए इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो फाइनली टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम बाई ए इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। यहाँ पर कह रहा है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, रो के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, इफ अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ इज इक्वल एफ1 इज इक्वल टू इतना, एफ2 इज इक्वल टू इतना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कपल ओनली, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स टुगेदर विद अ कपल, ठीक है। तो हम अगर ये पता करना चाहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो हम चेक कर लें क्या हमारा समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए तो नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। अगर मैं एफ नेट निकालना चाहता हूं, यहां पर देखिए एफ नेट समेशन ऑफ एफ निकालिए क्या हो जाएगा, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ नेट तो जीरो है, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बताओ, हमें पोजीशन भी दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं ना, हम टॉर्क निकाल लेते हैं, तो टाऊ वन निकालिए, टाऊ वन क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्रॉस एफ वन हो जाएगा, आर वन क्रॉस एफ वन, आर वन क्रॉस एफ वन के लिए हमें दोनों वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, तो आई कैप जे कैप के कैप कर लीजिए, और बताइए R1 क्या है हमारा, R1 के कंपोनेंट 3.3.4 है, ये हो जाएगा 3.3.4 और फोर्स के कंपोनेंट 2.3.4, 2.3.4 यही है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आई कैप बताइए कितना आ रहा है, 3.3.4 = 12 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस जे कैप, यहाँ पर देखिए 3.4.3.12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस के कैप कितना आ जाएगा, 3.3.3.9 माइनस 3.2.6 इज इक्वल टू 3। तो फाइनली हमारे पास टाउ वन कितना आ गया, माइनस का 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप। वैसे ही टाउ टू निकाल लीजिए, टाउ टू क्या हो जाएगा हमारा, आर टू क्रॉस एफ टू हो जाएगा इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। हमारे देखिए आर टू कितना है हमारा, आर टू है 1.0.0 और एफ टू कितना हमारा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। यहां से निकालिए आई कैप, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा कंप्लीटली, प्लस सॉरी माइनस जे कैप करिए यहां पर, माइनस जे कैप, जे कैप के बाद इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़िए, तो 1 माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 और 0, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस के कैप करिए, और के कैप करने के बाद ये देखिए ये तो छोड़ दीजिए इसको, 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 3। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब क्या कीजिए आप, टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, बताइए यहाँ पर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जे कैप प्लस प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के कैप, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो भी 0 है, नेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन है वो भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और अदर सारे ऑप्शन भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, एफ 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 इक्वल अमाउंट में फोर्सेस लग रहे हैं, दो ऊपर की तरफ लग रहा है, दो नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, क्या ये रेस्ट पर होगा, तो रेस्ट पर होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, देखिए दो ऊपर के डायरेक्शन में है तो वो दोनों पॉजिटिव हो गए, दो नीचे के डायरेक्शन में है तो माइनस एफ माइनस एफ, ये क्या हो गया, कंप्लीटली कट गए, ये जीरो के बराबर हो गया। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो अब देखिए मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करता हूं,
तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे इसका क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो निकालिए टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट मैं इसका टॉर्क निकालने जा रहा हूं। तो ये देखिए क्या लिखूंगा मैं, एफ इंटू 20, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस का एफ इंटू 40, फिर प्लस का एफ इंटू 60, फिर माइनस का एफ इंटू 80, एफ इंटू 80 ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस 80 माइनस 40 माइनस 120 और माइनस 120 प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस का 40 इंटू एफ, यानी कि टॉर्क हमारा कुछ ना कुछ आ रहा है, तो हम इसे कह नहीं सकते कि ये बॉडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर तो हो नहीं सकती। एक्सपीरियंस से टॉर्क, बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रही है, एक्सपीरियंस से लीनियर मोशन नहीं, लीनियर मोशन देखो, लीनियर मोशन कब आता है, जब नेट फोर्स कुछ ना कुछ होता है तब लीनियर मोशन आता है, नेट फोर्स तो जीरो है ना, नेट फोर्स जीरो तो लीनियर मोशन नहीं आएगा, एंगुलर मोशन आएगा, बिल्कुल इसमें एंगुलर मोशन आएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक्सपीरियंस टॉर्क एंड ऑल्सो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं आ रहा, टॉर्क आ रहा है लेकिन लीनियर मोशन नहीं आ रहा, तो लीनियर मोशन वाला तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। रेस्ट पर भी नहीं है ये, एंगुलर मोशन करेगा, एंगुलर मोशन क्यों करेगा, टॉर्क की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, टू सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m, रेडियस r by 2 आर कनेक्टेड विद अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r as shown इन द फिगर, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, ये एक्सिस दिया गया, इस एक्सिस का अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस खींच दो और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का पता है, इस सॉलिड स्फीयर का पता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का अबाउट क्या होता है, 2/5 mr2। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली इस एक्सिस का अबाउट लिखता हूं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा, अगर मैं पहले वाले बॉडी के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 2/5 mr2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, इस एक्सिस का अबाउट 2/5 mr2 हो गया। अब इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है, तो मैं प्लस करके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है हमारा m, और सॉरी यहां पर इसका रेडियस r by 2 है ना, यहां पर r by 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा m और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2r का होल स्क्वायर प्लस इस वाले बॉडी का इसी एक्सिस, इसी के सेंटर से ऊपर के पास कर रही है एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 2/5 m और r by 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब यहां से देखिए ये दोनों सेम है ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2/5 m r² / 4 × 2, ये इधर लेकर के आया मैं, और ये हो जाएगा m और 2 × 4 × r², तो फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/5 + 4 = 21/5 mr² हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ जाएगा 21/5 mr², तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। कह रहा है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द पैरेलल टू इट्स सरफेस vi, ठीक है, कह रहा है कि एक हमारा डिस्क है जिसके टेंजेंशियल पॉइंट से होकर के पास होने वाली जो कि इसके प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो सबसे पहले अगर इसका रेडियस r है और इसका मास m है, तो आप बताओ इसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है, दैट इज इक्वल टू mr² / 2। तो इसके इस डायरेक्शन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहने का मतलब सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 होता है। तो इसके प्लेन में सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया होगा, दैट इज इक्वल टू mr² / 4, हमें याद रखना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, तो mr² / 4 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्लियर है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 4 ही होता है। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट अगर ये सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रही है, तो ये ICOM हो गया, और ICOM क्या हो गया हमारे पास mr² / 4। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू mr² / 4, दोनों पैरेलल हो गए ना, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है r है, तो ये क्या हो जाएगा mr² हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 1 = 5/4 mr² दैट इज इक्वल टू i, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, मतलब एक एक्सिस जो यहां से पास तो कर रही है लेकिन इसके परपेंडिकुलर टू द सर्फेस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये बताइए। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर इसके परपेंडिकुलर है, सर्फेस के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ICOM दैट इज इक्वल टू mr² / 2, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए दोनों के बीच में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r है,
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICOM यानी कि MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M इंटू R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो MR स्क्वायर, फाइनली क्या हो जाएगा 3/2 MR स्क्वायर I डैश। हमें ये निकालना है, लेकिन किसके टर्म में निकालना है, I के टर्म में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर MR स्क्वायर 5/4 MR स्क्वायर इज इक्वल टू I है, तो यहाँ से MR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4i/5 हो जाएगा। तो MR स्क्वायर की जगह पर मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 4/5i, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5i, 6/5i हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 200 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय ए टॉर्क, टॉर्क हमें गिवन है 100 न्यूटन मीटर, रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर, मास हमें गिवन है 200 किलोग्राम, ठीक है। कह रहा है इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज, बताओ इन दोनों की हेल्प से क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है MR स्क्वायर, तो 200 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है क्या वैसे ही ये डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, डिस्क है ना, तो डिस्क का फॉर्मूला, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है MR स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये यहां पर जो होगा वो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और हमारे पास क्या चाहिए अल्फा चाहिए, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क कितना हमारा 100 डिवाइडेड बाई 400 यानी कि 0.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, थोड़ी जल्दी जल्दी हमें करनी पड़ी क्योंकि हम कम टाइम में, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वीडियोस को बहुत लंबा देख पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।